सत श्री अकाल जी सारे नूं। अज फिर आप एक वीडियो लेके आए हैं नरमे ते। ये वरायटी अजीत सीड की वरायटी है 177। आप बिजाई वेले भी यदि वीडियो पाई सी ते दस्या सी भी दस्या करांगे जिवें जिवें रिजल्ट आउणगे। ते जिहड़ी अज दी कंडीशन है यदि बहुत सोहनी है, बाबे दी मेहर है। ते इहदी 6 अप्रैल दी बिजाई है। ते इहदे बारे तुहानूं दस्सांगे, अज सारी जानकारी देवांगे। ते पहलां तुहानूं दस दईए भी बाबे की कृपा है भी जिवें आपां पहलां भी वीडियो पाईआं सी गुलाबी सुंडी असीं अज भी देखते फिरे हैं। 20-25 फुल जे देखते हैं, 20-25 फुल देखते हैं जां टींडे देखते हैं तो एक अद्धे टींडे च जां फुल च सुंडी मिलन नूं वेखण नूं मिलदी है। वह कोई वड्डी गल नहीं, माइनर गल है। बाबा मेहर रखे, मैनूं लगता भी कंट्रोल हो ही जाना, जिवें आपां पहलां भी दस्सिया सीगा भी एड्डी घबराउण वाली गल नहीं, कंट्रोल हो जाणा गा। जिन्ना का अटैक पहला वीडियो च दस्या सीगा उवें जे ही आ, कोई बाला अटैक वध्या नहीं सकदा, घटा ही लगता है। क्योंकि अपने नरमे च तां पहला भी बाबे की कृपा सीगी भी पहला भी सुंडी कोई बाली है नहीं सी। जिवें साडे पिंड दे विच इक दो घर होर है, उन्हां दी उन्होंने इदों भी पहला दी बजांद करी है। वह कहिंदे सी पहला दसदे सी भी सुंडी ज़्यादा, तो हुण वह कहिंदे आ भी थोड़ा जिहा अटैक आपे ही कुदरत वल्लों ही थोड़ा जिहा अटैक सुंडी दा घटिया हैगा, पहला नालों वध्या नहीं गा। वह बड़ी खुशी की गल है। तो आपां देखभाल रखनी है, जिवें मौसम खराब है इहदे ते स्प्रे करनी सीगी। पहलां आपां कल्ली निम वाली स्प्रे करी है, हुण इहदे ते निम वाली तां आपां हरेक च पाया ही करनी है, हरेक स्प्रे दे विच निम वाली तां पाया ही करनी है। हुण आपां इहदे ते करनी है थोड़ी जी निम वाली तां पाया ही करनी है, विच आपां पाया करांगे जिवें थोड़ी प्रोक्लेम दी थोड़ी डोज जां कोई भी गुलाबी सुंडी वाली ते जिहदा वधिया रिजल्ट है उह पाया करांगे। ते जानकारी यह सी भी कितने जिवें गुलाबी सुंडी होई पई है भी कितने यह ना हो अपना ध्यान गुलाबी सुंडी वाले पासे रह जाए तो आप होर किसी पासों मार खा जाइए। जिवें अज असी नरमे च वेंदे फिरदे हैं, हजे तक तेले चेपे का कोई जूं का अटैक नरमे ते है नहीं गा। बहुत सोहना खड़ा नरमा, बाबे की कृपा है। तो वाइट फ्लाई का थोड़ा जिहा अटैक आ चुका है, जो बूटे हिलाने वाइट फ्लाई उड़ती है, अटैक आ चुका है। यदा अटैक तो आया भी बारिश हुई सी 2-3 दिन पहला, तो बारिश तो बाद वाइट फ्लाई का अटैक आना ही आना हों, वधनी होंगी है। आप जिमें पिंड सारे गल्लां करते हैं, आप कह दें यार बारिश आ गई हूँ तो बीमारी खत्म हो गई, घट जूगी बारिश ना। एक बारी जे अज मीह आया तो थोड़ा मोटा हो सकता भी आपां उड्डना घट दिसे, बारिश नाल मर जाता है। पर तीजे दिन तुसीं अटैक देख लियो बीमारी का, बारिश तो बाद वधूगा घटता नहीं गा। इहदे च वाइट फ्लाई पहलां असीं बारिश तो देखी सी है ही नहीं सी, बिल्कुल ही है नहीं सी। अज थोड़ा जिहा अटैक हैगा है, वाइट फ्लाई उड़ती देखती है, पर घबराने वाली गल नहीं गी वाइट फ्लाई तो भी। वाइट फ्लाई भी बहुत चिर दी आउंदी है, एक दो वारी नरमे पहला खत्म इन्हें करे है कि हुण स्प्रेयां बहुत चंगी आईआं। आपां जिवें जिवें रिजल्ट मिलिया करूगा स्प्रेयां करिया करांगे, उवें उवें जानकारी तुहानूं दिया करांगे। तो यह अजीत सीड की वरायटी है, जिवें तुहानूं दस सकते हैं 177। पहला पिछले साल भी आपां बीजा सीगा, उदू पिछले साल भी बीजा सीगा, 3 साल हो गए मैनूं बीजदे नूं। तो मैनूं यह वरायटी बहुत वधिया लगी। जिवें तुसीं आ टींडे का सैज देखोगे ना, आ टींडे का सैज देखो टींडा किन्ना मोटा है, मतलब भी आ टींडा 5 सिकरियां वाला है, 5 सिकरियां वाला, तो पूरा फुल मोटा जिवें छोटा अमरूद हुंदा। तो यह जिवें पुराने आपां पहलां नरमा बीजदे हुंदे सी झोड़ां वाला, जदों यह खिड़दा है नरमा इस तरह खिड़दा है, मतलब इहदा फुट भी बहुत मोटा हुंदा है। कोई आपां मशहूरी करन दे मारे नहीं गए दस रहे भी, जां आपां नूं कंपनी वाले ने कहा भी साडे नरमे बारे यार वीडियो पाई, आपां दस रहे हैं भी जिमीदार नूं जिहड़ी चीज़ चंगी आ उहदे बारे आपां नॉलेज देनी देनी है, तो जिहड़ी माड़ी आ उहदे बारे भी आपणा दस आपां दसणा। आपां मेरे कोल 3-4 वरायटियां है, जिहड़ी माड़ी रहूगी माड़ी बारे भी दसांगे, आपां नूं किसे कंपनी वाले का कोई डर नहीं गा भी आह वरायटी ने ना बीजो। 177 3 साल तो मैं बीजदा आ रहा, मैनूं बहुत चंगा लग्या, बहुत वधिया वरायटी है यह। मतलब यह तो दूजी खासियत इहदे च यह है भी यह हल्के वाण च भी हो जाती है तो भारे च भी हो जाती है। जिवें साडा इह वाण दरम्याना है, दरम्याने वाण दे विच अज इहदा इहदी जिहड़ी हाइट है मेरे मोढ़े दे नेड़े है, दरम्याना वाण है, तो मतलब पूरा 6-6.5 फुट हाइट कर जाती है। इन्नी कु जानकारी सी वाइट फ्लाई बारे तुहानूं जानकारी दित्ती है भी आपां कितें सुंडी बारे ना सुंडी वाले पासे ना रह जाइए, वाइट फ्लाई का भी थोड़ा जिहा अटैक आ चुक्या है। तो वाइट फ्लाई ते भी आपां कोई बालियां महंगीआं स्प्रेयां नहीं करनियां, करदे रहा करना 5-7 डोज घट पा के पानी वध ला के, पानी वध एक गल इह ध्यान च रख लो मेरे वीर भी पानी आपां वध लाउणा ही लाउणा, कोई भी स्प्रे करनी है चाहे झोने ते करनी है चाहे नरमे ते करनी है। जे आपां पानी वध लावांगे तां आपां नूं उहदा रिजल्ट बहुत वधिया मिलेगा, जे आपां पानी घट लावांगे स्प्रे वध डोज पा देंगे स्प्रे की
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਡੋਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਪਰੇ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਦੀ ਡੋਜ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਾਉਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਘੱਟ ਭਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ। ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੋਜ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਪਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਉੜਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਆਂਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਂਡੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਟ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੜਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ 20-25 ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ 15-15-20-20 ਟਿੰਡੇ ਪੱਕੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਟਿੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 5 ਸਿੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਿਣਮਿਣ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਪਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੂੰ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।